आप सभी का स्वागत है जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव अपने आखिरी और निर्णायक पड़ाव पर है। चौराहे और नुक्कड़ों पर चर्चा भी कुल्हड़ में उबलती चाय की तरह तप रही है। ऐसे में जनता के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन की बात यह है कि मतदान के दिन वह अपनी वोटर आईडी के अलावा वह कौन से अन्य दस्तावेज है जिन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि यदि किसी कारणवश आपका मतदान पहचान पत्र खो गया हो या वह नहीं बन सका हो, तो ऐसे में वह कौन से अन्य दस्तावेज है जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं। बता दें कि सबसे पहले निर्वाचन आयोग द्वारा सिर्फ और सिर्फ मतदान पहचान पत्र ही ले जाने की अनुमति होती थी, लेकिन अब कुछ समय से निर्वाचन आयोग ने यह गाइडलाइन जारी कर दी है कि मतदान पहचान पत्र के अलावा मतदाता अन्य कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो अपने साथ ले जा सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको हम उन दस्तावेजों के बारे में। आपको बताते चले कि इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, एमएलसी और विधायक को निर्गत ऑफिशियल पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, इनमें से कोई भी आपके पास रहने चाहिए जिसका प्रयोग आप मतदान के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आप सभी से एक छोटी सी जानकारी और शेयर करना चाहूँगी कि जिस दिन आप मतदान केंद्र पर अपना मतदान देने के लिए जाएं, तो वहां पर किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को अपने साथ ना ले जाएं, क्योंकि वहां पर इस प्रकार की किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं होती है। और अंत में मैं आप सभी से पुरजोर अपील करती हूँ कि अपना वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि वोट न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि लोकतंत्र की बुनियाद है। तो लोकतंत्र की बुनियाद को ताकत देने के लिए 4 मई यानी गुरुवार को मतदान केंद्र पर अपना मतदान देने जरूर जाए। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।